Hello all learners. Today I'm going to introduce you about hand operated capsule filling machine. तो आज हम lab में perform करने वाले हैं hand operated capsule filling machine से कैसे हम hard gelatin capsule को fill करते हैं उसका operation का demo देखने वाले हैं. So आज के practical का object है to perform capsule filling operation by manually operated capsule filling machine. So here is your object and here you can see by these steps following we can perform capsule filling machine by this hand operated machine. So isko hum lab mein kaise perform karenge? So let us discuss in the demo session. So before that, let us know how to perform that process. So iske liye hum procedure dekhte hain. So now here you can understand how to perform step by step capsule filling machine. So first hai, isme hum kya karte hain? Sabse pehle हम एम्प्टी कैप्सूल शेल्स लेते हैं जिसको हम फिल करते हैं. इसको फिल करने के लिए सबसे हम पहले हम लोडिंग ट्रे लेते हैं. ऑल लेबलिंग हम लैब में देखेंगे कि पर्टिकुलर हैंड ऑपरेटेड कैप्सूल फिलिंग मशीन के कौन कौन से वेरियस पार्ट्स होते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द लैब. सो फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर. तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एम्प्टी कैप्सूल शेल्स ले लें जिसको हमें फिल करना है. इन सेल्स को फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, लोडिंग ट्रे में जो ये एम्प्टी कैप्सूल शेल हैं इनको फिट कर देंगे. उसके बाद हम उन्हें डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स डायरेक्शन के बेस में एडजस्ट करके सेटअप कर देंगे. देन लोडिंग ट्रे को हम प्लेस करेंगे कैप्सूल फिलिंग मशीन में. यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो लोडिंग ट्रे है आपकी डिटैचेबल होती है जिसको हम अलग से पहले कैप्सूल सेल्स लगा लेते हैं, उसके बाद हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एडजस्ट कर लेते हैं एंड देन हम कैप्सूल फिलिंग मशीन में इसको प्लेस कर देते हैं. इस तरह से बेड को रखते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो लीवर है ये भी एक ऑपरेशन का, ये मशीन का एक पार्ट है. इस तरह से हम लीवर को एडजस्ट करते हैं कि वो सेंटर में रहे और कैम नेजल के आउटसाइड रहना चाहिए. देन इन ऑर्डर टू डिटैच द बेस ऑफ कैप्सूल फ्रॉम इट्स कैप, द लीवर इज मूव डाउन टूवर्ड्स एंड हैंडल इज प्रेस डाउनवर्ड्स. इस तरह से हमें डिटैच करना है कि कैप्सूल में जो आपकी कैप से जो लीवर है मूव करे टूवर्ड्स एंड हैंडल कर, हैंडल को जो हम प्रेस करें वो डाउनवर्डली प्रेस करें. नाउ प्लेस द पाउडर ट्रे. इसके बाद पाउडर ट्रे भी होती है, वो भी डिटैचेबल होती है. उस पाउडर ट्रे को हम प्लेस कर देंगे एंड उसके बाद विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर हम फिल करेंगे एक्यूरेट क्वांटिटी ऑफ पाउडर या फिर जो मटेरियल हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में फिल करने वाले हैं उसको हम एक्यूरेटली स्क्रैपर के थ्रू इसमें फिल करते हैं. कहाँ पे फिल करेंगे, बेस ऑफ द कैप्सूल. तो कैप्सूल के बेस में हम एक मिनिमम अमाउंट और एक्यूरेट अमाउंट को स्क्रैपर के थ्रू स्प्रेड कर देते हैं. देन उसके बाद हम क्या करते हैं, टू रिमूव वॉइड स्पेस. वॉइड स्पेस को रिमूव करने के लिए हम प्लेस करते हैं पिन प्लेट को टू कंप्रेस द मटेरियल इन द कैप्सूल शेल एंड रिफिल करेंगे पाउडर इन द रिमेनिंग स्पेस. नेक्स्ट रिमूव द पाउडर ट्रे. इसके बाद हम क्या करेंगे, पाउडर ट्रे को रिमूव कर देंगे और प्लेस करेंगे लोडिंग ट्रे को जिसने कंटेन किया हुआ कैप्सूल. नेक्स्ट टू ब्रिंग अबाउट परफेक्ट लॉकिंग. परफेक्ट लॉकिंग के लिए हम क्या करेंगे, बेस एंड कैप पोर्शन को कैप्सूल के प्रेशर प्लेट से लोअर डायरेक्शन में एंड हैंडल करेंगे कि वो मूव हो जाए. नेक्स्ट लोडिंग ट्रे को हम जो कंटेन होती है उसको फिल करेंगे कैप्सूल को और कलेक्ट कर लेंगे.
सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसीजर. सो लेट जो अब हम देखते हैं डेमो कंप्लीट कैसे हम परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन ऑफ कैप्सूल फिलिंग मशीन. सो लेट अस डिस्कस. So it is a manually handled capsule filling machine, and capsule filling machine के कुछ important basic parts होते हैं. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से basic parts हैं. तो firstly हम ये जानेंगे, ये है हमारा particularly, इसको कहेंगे lever. It is a can handle. ये हमारी loading tray है जिसमें हमने capsules को load कर लिया है. It is a pin plate. This is a plate with rubber and it is our bed. And जो हमारी ये pin plate है उसमें 200 to 300 holes होते हैं. Same like bed में भी 200 to 300 holes होते हैं, so that हम अपने capsule को इसमें पुट कर सके. नाउ वी विल स्टार्ट कैप्सूल फिलिंग. तो सबसे पहले हम लोग कैप्सूल फिलिंग करने के लिए मशीन में कंप्लीट बॉडी एंड कैप एडजस्ट की हुई ट्रे को मशीन पे पुट कर देंगे. आफ्टर दैट वी विल lock our machine with the help of this lever. So इस तरीके से properly हमने lever को lock करके body को machine में adjust कर दिया है and loading tray को remove करके हम कैप को रिमूव कर लेंगे. सो नाउ दिस वे हमने कैप रिमूव कर ली है फ्रॉम बॉडी. अब हम लीवर को रिलीज करेंगे तो बॉडी मशीन में डाउन हो जाएंगे. एंड नाउ वी विल पुट प्लेट सो दैट होल बॉडी प्रॉपरली एडजस्ट हो जाएंगी मशीन में. नाउ वी विल पुट पाउडर ट्रे. सो ये हमारी पाउडर ट्रे है एंड इसके बाद हम बॉडी में पाउडर फिल करेंगे. सो बाय दिस विद द हेल्प ऑफ दिस स्पैचुला वी विल फिल मटेरियल. So with the help of this scraper हम पूरी तरीके से body में fill कर देंगे. So it is a scraper जो help करेगा machine में और body में complete powder को fill करने में. So we will spread whole the material in the body. रिमूव कर देंगे.
and then we will down the pin plate so that hamara complete powder material evenly adjust ho jaye body mein. एंड इसके बाद हम एडजस्ट करने के बाद इसको अप कर लेंगे पिन प्लेट को. नाउ वी विल लोड लोडिंग ट्रे एंड जिसमें हमारे कैप्स हैं ट्रे को एडजस्ट कर देंगे एंड लीवर को एंड प्लेट को रबर प्लेट जो है उसको डाउन करेंगे एंड लीवर से इसको एडजस्ट करके ऐसे लॉक कर देंगे मशीन कंप्लीट सो दैट हमारे कैप और बॉडी की आपस में सील हो जाएंगे. इस तरीके से हमारी कैप और बॉडी की सीलिंग हो जाएगी. नाउ वी विल अगेन डिटैच एंड लोडिंग ट्रे को हम अप करके सो हियर यू कैन सी नाउ हमारी कैप्सूल सील हो चुकी है एंड और हमने लोडिंग ट्रे को रिमूव कर लिया है. तो इस तरीके से कंप्लीट वर्किंग हो गई कैप्सूल फिलिंग मशीन की. सो नाउ यू कैन सी इस तरीके से हमारी कैप्सूल कंप्लीट अप्रोच बन गई है एंड सील होके हमने मटेरियल को फिल करके कैप्सूल निकाल लिया लोडिंग ट्रे से.